आया अंकुर जी, ये लॉकडाउन के चलते समय जो हमारे जो डीसी मैडम है उन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है कि घर से हर घर से घर तक हमारा जो सर्वे हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे जो बीएलओ मैडम है रिचा मैडम, तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे कोई उनको हेल्प की ज़रूरत थी, तो हमारे जो युवा साथी जितने भी हैं, ये सारे युवा साथी हमारे जो जिन्होंने हमारे साथ में मिल के ये सहयोग करके जो हम डोर से डोर हर घर में जा रहे हैं, जहाँ पे जो माली मकान है, जो बाहर से कोई रहने के लिए आ रहे हैं उसके लिए पूछताछ हो रही है, और यहाँ पे एक अवेयरनेस भी दे रहे हैं इसके साथ साथ हम कि स्टे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, घर में रहिए लॉकडाउन के चलते समय, तो ये हमारा जो मेन मकसद यही है। तो बाकी आगे आपके सामने जो चल रहा है देख लो, जो इधर उन्हीं के आपको नाम बताने, चाहे वो कोई किराएदार है चाहे ओनर। इसमें जितना भी यूथ है हमारे वार्ड का, इन्होंने बीएलओ मैम के साथ मिलके पूरे एरिया की जो है वो घर घर जाके छानबीन की है, वहाँ से एक पर्टिकुलर कोई किराएदार कोई मालक मकान हर एक आदमी का जो सहयोग से उनके पर्टिकुलर नोट किए हैं, और ये साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी इन लोगों ने ख्याल रखा है, और घर घर जाके सबको ये बताया है कि घर में रहो और इस कोविड की लड़ाई को कामयाब बनाओ, और अपना मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलोगे कोई ज़रूरी काम है तो। हाँ जी, ये कोरोना का चल रहा है, कोरोना का कोविड का हाउस नंबर सर्वे वार्ड नंबर 18 के जो युवा कार्यकर्ता हैं सेवा कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा भी हमने बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं। अभी फिलहाल इस वक्त हम बीएलओ मैडम के साथ मिलकर हम सरकार का साथ दे रहे हैं, हम घर घर जाकर हर घर में जाकर सर्वे कर रहे हैं कि कोई किसी की ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई बाहर से तो नहीं आया, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, ये चीज़ें सर्वे हम पूरे समाज में अपने पूरे एरिया में कर रहे हैं। इसके अलावा हम सबको अवेयर कर रहे हैं कि आप घर पे रहो, ज़्यादा ज़रूरी काम है तो तभी बाहर निकलो, मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। शर्मा